हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं ये है एक TCL TV 55 इंच 55P8 मॉडल नंबर इसका है। और इसमें जो है कि पूरा ऐसा येलो कलर आ रहा है लाइनिंग। इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है कि होगा। सबसे पहला तरीका चेक करने के ये होता है किस साइड का पैनल ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LVDS केबल लगा हुआ है 2 पीस यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, या तो कोई भी निकाल सकते हो। इसको निकालेंगे और जिस साइड का सही रहेगा उस साइड का दिखाएगा। यहाँ से इसको उठा लेते हैं, देख रहे हैं अब आधा चला गया और आधा आ रहा है इसमें। अब ये आपको LVDS केबल लगाएंगे और दूसरा जो है कि आपको दूसरा लगा के दिखाएंगे यहाँ पे। ओके, निकालो आराम से, सही नहीं लगा, लड्डा लगा दो। देख रहे हैं यहाँ से इसको निकालेंगे, यहाँ से इसको निकाल दिए। अब उठा के देखते हैं, अब देख रहे हैं कि डिस्प्ले जो है कि आधा आ चुका है, आधा डिस्प्ले जो है कि आ चुका है यहाँ। और इस साइड का जो है कि गया है लाइनिंग, भीतर जो है कि आ रहा है इतना। इसका प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं, सोल्व करके हम बताएंगे आपको। यानी कि जो इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम जो है कि इस पैनल पे है। इस पैनल का जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर है यहाँ पे। इसका जो है कि हम यहाँ पे एक लाइन होती है यहाँ पे KC1 KC CK1 CK2, इसको ब्लॉक करेंगे यहाँ से ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करके हम आपको दिखाएंगे। चल ब्लर ना हो ना, नहीं ब्लर ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिन नंबर गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पिन यहाँ से गिनेंगे। ये वाला जो है कि पेपर काटेंगे, यहाँ से तकरीबन इतना 10 पिन है, यहाँ तक आता है, देख लेते हैं यहाँ तक 10 पिन आना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ तक लगा लेंगे। लगाने के बाद में फिर यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, फिर चेक करते हैं डिस्प्ले हमारा आया कि नहीं आया। तो आप देख रहे हैं जो है कि बड़ा ना हो ना, डिस्प्ले आ गया, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ से थोड़ा लाइनिंग आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये जो लाइनिंग ये सही नहीं होगा, यहाँ पे जो है कोप लगा हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। बाईपास करेंगे तभी भी थोड़ा लाइन रहेगा, जाती है लेकिन लाइनिंग नहीं जाती है। यहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से जो ये लाइनिंग होती है वो छुप जाती है। इसको जैसे दिखता है कि लाइनिंग जो है कि नहीं गई है। तो आप जो इसको उसको टेम्परेरी ऐसे चला सकते हैं, 100% जो है कि ये जो है कि सही नहीं होता है, ऐसे ही आप टेम्परेरी इसको चला सकते हैं। अगर 100% सही करना है तो यहाँ से जो है आपको इसका एक कोप चेंज करना पड़ेगा, ये वाला, तभी ये सही होता है, तभी ये सही होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, हम आपको यहाँ से फोन आपको दिखा दे रहे हैं खोल के एक बार, आप कितना लाइन जो है यहाँ से ब्लॉक करेंगे। आपको हम एक बार काउंटिंग करके बता देते हैं कितना लाइन आपको ब्लॉक करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी आपको 13 लाइन ब्लॉक करनी है, 12 13। आपको ब्लॉक करने से जो है कि आपका समस्या दूर हो जाएगा। पैनल चेंज करने से अच्छा है कि आप ये तरीका अपना लें
कुछ दिन आपका जो है कि टीवी चल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। जो है कि पेन ड्राइव लगाए हैं और चेक करते हैं इसका क्वालिटी क्या है। ऊपर ही भैया केबल टेढ़ी सी यहाँ पे फिगर वर्क उल्टा देख रहे हैं।